छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं समय न मिला इस पाठ का शेष भाग। इसके पहले हमने समय का महत्व, समय का सदुपयोग किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में इस पाठ के द्वारा जानकारी ली थी। अब देखते हैं आगे। देखो, हमने देखा था कि समय न मिलने का बहाना अक्सर किया जाता है। कोई भी काम जब नहीं होता है तब समय न मिलने का बहाना किया जाता है। खतों का जवाब जब नहीं दे पाते तब क्या करते हैं, अधिक काम होने की वजह बताते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाकघर की गलती के कारण पत्र समय पर नहीं पहुंचता, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्र पढ़ा भी जाता है पर जवाब देना उचित नहीं समझा जाता। तो इसके कारण समय अगर एक आध बार चला गया तो वापस आने वाला नहीं है, तो इसका ध्यान रखकर हमें कार्य करना चाहिए। देखो, डॉक्टर जॉनसन का भी उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरीके से समय का सदुपयोग किस तरह से करना चाहिए इसका एक उदाहरण यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखते हैं आगे। अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है, समय धन है। यह अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, टाइम इज मनी, है ना, पता है ना आपको, टाइम इज मनी, समय धन है। पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज्यादा अहम चीज है। अहम का मतलब महत्वपूर्ण, समय धन से कहीं ज्यादा अहम चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज्यादा मेहनत करें ज्यादा धन कमा सकते हैं। देखिए, हम जितनी ज्यादा मेहनत करें उतना ज्यादा धन तो हमें पा सकते हैं, हम उतना ज्यादा धन हम पा सकते हैं। पर अधिक मेहनत करो समय पा सकते हैं, नहीं, समय बढ़ाया नहीं जा सकता पर धन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटों को 1 मिनट भी बढ़ा सकते हैं? देखो किस तरह से यहाँ पर बताया है कि अधिक काम करके, अधिक मेहनत करके हम धन को बढ़ा सकते हैं, पर हम चाहे तो भी 24 घंटों में 1 मिनट भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला कर सकते हैं, क्या मुकाबला, नहीं। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। देखिए, आज की जो अर्थव्यवस्था है इसमें धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। शेयर बाजार में देखो कि उसकी कीमत कभी ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। तो धन की कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिकमंगा बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। देखिए, कुदरत ने अपना समय बदला है क्या किसी के लिए? नहीं, कुदरत कभी भी अपना समय या फिर कुदरत का कोई भी नियम कभी किसी के लिए नहीं बदलता, वो समान रूप से चलता रहता है, सभी के लिए समान रूप से चलता है। पर बैंक का नहीं होता है ऐसा, धन का वैसा नहीं है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके पास वो धन आएगा। देखिए, अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिकमंगा बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। कुदरत का मतलब देखिए प्रकृति, कुदरत का मतलब क्या है, प्रकृति। ज्वार भाटा जो समुद्र को आती है ना, भरती ओहोटी, इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल का फर्क है। देखिए, अमीर गरीब और बादशाह कंगाल का फर्क है किधर, धन की दुनिया में। पर समय की दुनिया में ऐसा नहीं है, धन की दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल, इसका फर्क है। पर खुश किस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। किसी के साथ समय, इसको कम मिला समय, उसको ज़्यादा मिला समय, ऐसा नहीं रहता है। सबके लिए 24 घंटे दिन के मिलते हैं, तो उसका फायदा उठाना सीखना चाहिए। पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेद नहीं है। अमीर के लिए ज़्यादा वक्त, गरीब के लिए कम वक्त, ऐसा नहीं करते, भेदभाव उसमें नहीं रहता है। उसके लिए सब बराबर है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। देखिए,
इस समय का हम महत्व नहीं समझते और काम टालने का काम करते हैं और सब कारण क्या बताते हैं, समय नहीं मिला इस कारण मेरा यह काम नहीं हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। 24 घंटों में बहुत समय आपको मिलता है, दिन में आपको बहुत समय मिलता है, तब आप अपने महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं। सन 1932 में महामना मालवीय जी ने प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देखिए अब एक कहानी, छोटी सी कहानी है। सन 1932 में महामना मालवीय जी ने प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। कहाँ बुलाया था? एकता सम्मेलन प्रयाग में। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने और उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन स्थल पर जाया करता था। यहाँ पर देखिए शरीक का मतलब है सम्मिलित, उसमें शामिल होने के लिए शरीक, और लालसा यानी इच्छा। लालसा का मतलब क्या है? इच्छा। तो ऐसे सम्मेलन में यह किसके लिए जाते थे? मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था। कौन? यह जो लेखक है वो उस दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन के करने के लिए और उनके हस्ताक्षर लेने के लिए लालसा से ही सम्मेलन स्थल पर जाया करता था। उनकी स्वाक्षर मिले, उनकी हस्ताक्षर मिले, इसके लिए यह लेखक उस सम्मेलन स्थल पर जाया करते थे। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। कौन सा सम्मेलन सफल नहीं हो सका? एकता सम्मेलन जो प्रयाग में लगा था। देखो महामना मालवीय जी ने 1932 में जो सम्मेलन रखा था प्रयाग में, वह सफल नहीं हो सका। उसके कारण क्या है वो देखिए। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के दांवपेच ही थे। उस समय ब्रिटिश सरकार किसी को सम्मिलित होने नहीं देते थे, सब एक दूसरे से दूर रहेंगे, कोई भी ऐसी सभा आयोजित नहीं करेंगे। ऐसा वक्त था वो जब अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म करते थे, किसी को इकट्ठा नहीं आने देते थे। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। देखिए सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता लोग समय पर वहां आया करते थे, पर वहां पर जो जिसने ये सम्मेलन आयोजित किया है वही वहां पर अनुपस्थित है, वही वहां पर उपस्थित नहीं है। यह देखकर सभी क्रोधित हो जाते थे, तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा। किसने? लेखक ने। हताश और परेशान होते हुए बहुत सारे नेताओं को देखा। देखो हताश का मतलब है निराश। हताश का मतलब क्या है? निराश। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं हैं। एक तो नहीं है ऐसे किस्से हमारे देश में, बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं समय की गैर पाबंदी के, बहुत सारे अनुभव हमारे देश में दिखाई देते हैं। करीब करीब सभी सम्मेलनों और सभाओं को बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के लगभग सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में सभी सुबों की कहानी लगभग एक सी है। देखो राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के लिए सभी देश के लगभग सभी प्रांतों में इनको भ्रमण करना पड़ता है, इनको घूमना पड़ता है इधर उधर, और वह क्या करते हैं? सभा आयोजित करते हैं, और वहीं पर भी ऐसा ही उनको दिखाई देता है कि समय पर लोग नहीं आते। उनको पता होता है कि समय पर कुछ भी शुरू नहीं होगा, इस कारण सब देरी से आते हैं। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के लगभग सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में सभी सुबों की कहानी लगभग एक सी है। कोई भी ऐसे समय पर नहीं पहुंचता है, सब देरी से ही पहुंचते हैं, ऐसे सब जगह पर इनको देखने के लिए मिला। सुबह यानी क्या? प्रदेश।
सब प्रदेशों में उनको इस तरह का ही माहौल दिखाई देता है कि सब लोग देरी से आते हैं। मीटिंगों का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। मीटिंगों का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है। अगर वो शुरू हो गई समय पर, वो अपवाद से ही दिखाई देता है। बहुत कम बार ऐसे दिखाई देता है कि वो मीटिंग समय पर शुरू हो गई। नियम ही नहीं होता है नियम मीटिंग शुरू होने का। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। देखो, उड़ीसा एक राज्य है, उसमें ऐसा मुकर्रर किया गया है कि मीटिंग का जो समय रहेगा उसके 2 घंटे बाद ही वह मीटिंग शुरू होगी। ऐसे उन्होंने मुकर्रर किया है। मुकर्रर यानी निश्चित। मुकर्रर का मतलब क्या है? निश्चित। उनको पता है, उन लोगों को भी पता है कि हमारे जो मीटिंग है 4 बजे है, तो 6 बजे ही शुरू होगी। ऐसे उन लोगों को पता होने के कारण वो सब 6 बजे ही पहुंचते हैं। ऐसे उन्होंने निश्चित किया है। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। उनका तो रिवाज ही हो गया है। अभी मीटिंग का समय एक होता है और वो 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू की जाती है। ऐसे रिवाज हो गया है, वहाँ समय का पालन नहीं किया जा रहा है। सोच ऐसी बन गई है कि चाहे मीटिंग बुलाने वाले हो, चाहे मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन, यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। सभी को पता है मीटिंग का समय अगर 4 बजे दिया है तो मीटिंग कब शुरू होगी? 6 बजे ही शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो पर 6 के पहले नहीं, उसके बाद भले ही हो पर उसके पहले कभी नहीं हो सकती। 6 बजे के पहले मीटिंग नहीं होगी, 2 घंटे बाद ही मीटिंग होगी। ऐसे सभी का मानना है, या फिर उनको आदत ही पड़ गई है देर से जाने की। इसीलिए यहाँ पर समय की बर्बादी किस तरह से करते हैं लोग, इसके बारे में जानकारी इस परिच्छेद में दी है। आगे देखिए, आप यह न समझ बैठे कि यह हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं। देखो, वहाँ की सभाएं जो हैं वो समय पर शुरू होती हैं और लोग समय का पालन भी करते हैं, पर क्या होता है देखिए, लेकिन अगर सिनेमा और थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर ही दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। देखो, समय की बर्बादी किस तरह से करते हैं। देखिए, 2-2, 3-3 घंटे एक जगह पर खड़े रहते हैं, किस लिए? सिनेमा घर की टिकट घर की खिड़की कब खुले, इसका इंतजार करते हुए वह अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। देखो, इतने घंटे वो खड़े हैं, फिर भी अगर सिनेमा घर में अगर जगह नहीं हुई तो उनको वापस जाना पड़ता है। तो 3 घंटे उनके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं वहाँ खड़े रहकर। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। देखो, अगर आप अपने समय जरा भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद, ऐसे लेखक कह रहा है। अगर नहीं तो क्या अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं? जाया करना यानी बर्बाद करना। कतार यानी पंक्ति। देखिए, अगर नहीं तो क्या अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है? सदुपयोग का मतलब है अच्छा उपयोग। सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग। तो देखिए, अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दें तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। आप क्या महसूस करेंगे? स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब क्या है? ताजगी।
कब महसूस करेंगे? जब आप जल्दी उठेंगे, तब आपको समय भी ज़्यादा मिलेगा और आप स्फूर्ति महसूस करेंगे पूरे दिन भर। तो सुबह हमें कब उठना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए, तभी हमारे सब काम पूरे हो सकेंगे और हमें समय भी ज़्यादा मिलेगा। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी न बन जाएं, घड़ी के ठोके के साथ अपनी जिंदगी की ताल न बैठा लें। अगर अपने कार्यक्रम में आपने जरा भी लचक न रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही, तो भी आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना सकेंगे। देखिए, घर के हर एक सदस्य को समय निकालना चाहिए। अगर उनको समय निकालते हुए हम अपना ही काम करते रहें घड़ी के ठोके के साथ, तो हम अपने परिवार को सुखी नहीं बना सकेंगे, उनको हम समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सभी को समय देना आवश्यक है। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। मिजाज का अर्थ क्या है? स्वभाव। मिजाज यानी स्वभाव। और आप दूसरों पर जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं नाराज होना शुरू कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। देखिए, खुश मिजाज का अर्थ क्या है? प्रसन्न चित्त। आप अपने जीवन में प्रसन्न चित्त रहना है और दूसरों को भी वक्त निकालना है, तभी आपकी हर एक तारीफ कर सकेगा। देखो हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न कहे मुझे समय नहीं मिला। देखो, लेखक का कहना है कि आज से यह कारण छोड़ दो। आपके अगर कोई भी काम अधूरे रह गए हैं तो यह कारण मत बताओ कि मुझे समय नहीं मिला। जो ऐसे कारण बताता है वो कौन होता है? कमजोर होता है, वो अपने जीवन में अनियमित होता है। तो ऐसे कारण देना छोड़ दो और समय का सदुपयोग करना सीखो। बहुत बड़ी सीख इस पाठ के द्वारा श्रीमन नारायण जी ने दी हैं। इसमें हमने सीखा नियमितता, समय की पाबंदी करना, समय नियोजन, कार्य निष्ठा, हमारे कार्य करने की निष्ठा, इसमें सीखे हमने समय का महत्व। इस पाठ के द्वारा हमने जाना, यहाँ हमारा ये जो पाठ है समय नहीं मिला यह पूरा होता है। आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है और इसके शब्दार्थ जो है वो आपके नोटबुक में लिखने हैं।